तो आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन और दोनों का डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिदम फंक्शन है, उसके ग्राफ के साथ क्विक डिस्कशन कर लेंगे हम। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, वेर ए बिलोंग्स टू आर प्लस, बराबर fx इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। इसमें जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीन्स इट इज अ फंक्शन एफ हुज डोमेन इज आर, कोडोमेन इज ऑल्सो आर, एंड इट इज एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स, बट कंडीशन इज हियर ए बिलोंग्स टू आर प्लस, दिस वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर a बिलोंग्स टू r प्लस है, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम पॉजिटिव रियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर केस बनाते हैं। सबसे पहला केस है इफ a ग्रेटर देन वन, अगर आपका जो बेस है a रेस टू x, जिसमें जो बेस है वो ग्रेटर देन वन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू a रेस टू x, ये जो फंक्शन होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाया है, दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e रेस टू एक्स, और जहां पर e जो है उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 2.718, एंड दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e रेस टू एक्स। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स इट इज ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट 0.1, दैट इज If x equal to 0, then y is equal to e raised to 0. E raised to 0 is 1. यहाँ पर मैंने particularly e raised to x का ग्राफ ड्रॉ किया है। आप कोई भी नंबर लेंगे a raised to x, but a greater than 1, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। Second thing, if a less than 1, if a is less than 1, then the function f(x) is equal to a raised to x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली एक नंबर लिया है 1/2 जो कि लेस देन 1 है, तो अगर हम बेस 1/2 रेस टू एक्स लेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, और ये ग्राफ है वो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना तो ए ग्रेटर देन 1 केस में, ना तो ए लेस देन 1 केस में, बराबर ये ग्राफ कहीं पर भी आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इसमें भी ये जो 1/2 रेस टू एक्स का ग्राफ है वो भी आपके वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट 0.1, मींस एक्स इक्वल टू 0, देन 1/2 रेस टू 0, दैट इज 1, ओके। एंड थर्ड वन, इफ ए इक्वल टू 1, अगर हम जो बेस है वो 1 लेंगे, देन द फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, बिकॉज इसका जो आंसर है ऑन टू हम बना सकते हैं रेंज सिलेक्ट करके, बट ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, बिकॉज ए इक्वल टू 1, देन 1 रेश टू पावर गिव्स 1, तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ में, जैसे कि मैंने बताया ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना तो बिलो एक्स एक्सिस जाएगा, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस मीन्स वाई इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो ग्राफ है वो अबोव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, ना तो बिलो एक्स एक्सिस मीन्स अबोव एक्स एक्सिस है, तो अबोव एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ पर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होगी, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आर प्लस, दैट इज ओपन 0 to infinite, राइट। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्राफ से आपको दिख रहा है ये जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अबोव एक्स एक्सिस है, तो इसका वैल्यू 0 से इनफाइनाइट में होगा। नाउ एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स, वेर ए इज नॉट 1, मीन्स ए इज ग्रेटर देन 1 और ए इज लेस देन 1, देन दिस फंक्शन इज 1 1, बिकॉज अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन डेफिनेटली 1 1 होगा, तो फंक्शन इज 1 1, एंड अगर मैं इसका जो रेंज हमने फाइंड किया 0 to infinite, तो हम रेंज आर प्लस ही ले लेते हैं, देन दिस फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट, बिकॉज आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा, जो हम चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं, अगर हमारा जो फंक्शन है
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए रेश टू एक्स से लिख देते हैं आर, इसका डोमेन आर लेंगे हम, एंड रेंज जीरो टू इनफाइनाइट लेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए एंड ए बिलोंग्स टू आर प्लस, दैट इज ए ग्रेटर देन जीरो, देन दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, एंड इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू दैट इज बाइजेक्टिव, देन वी से इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। और ये जो एक्सपोनशियल फंक्शन है इसका जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं लॉगरिदम। तो इनवर्स ऑफ द एक्सपोनशियल फंक्शन इज लॉगरिदम फंक्शन। ओके, अब यहां पर हमने जो देखा कि ये जो फंक्शन है एक्सपोनशियल फंक्शन एफ, इसका डोमेन आर और इसका जो रेंज है वो हमने देख लिया जीरो से इनफाइनाइट है, तो ये आपका एक्सपोनशियल फंक्शन है। ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा, जीरो टू इनफाइनाइट, एंड इनका कोडोमेन हो जाएगा आर। बट ये जो एफ है वो क्या है, एक्सपोनशियल फंक्शन है, तो मैं ए रेस टू एक्स लिखता हूँ, एंड एक्सपोनशियल फंक्शन का जो इनवर्स है उसे बोलते हैं लॉगरिदम फंक्शन। तो लॉग का डोमेन क्या होगा, ओपन जीरो टू इनफाइनाइट, एंड इनका रेंज हो जाएगा आर। तो लॉग जो फंक्शन है जिसको हम शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, इसका डोमेन होगा आर प्लस, रीजन क्या है वो मैंने बता दिया है, कोडोमेन आर एंड डिनोटेड बाय लॉग एक्स बेस ई। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे रीड करते हैं लॉग एक्स बेस ई, यहाँ पर जो बेस ई है इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसको आप कई बार ऐसे भी लिखते हैं ln x, बराबर। जब आप ln x लिखते हैं तो इसका मतलब है ये log x base e है, और जो दूसरा होता है नॉर्मल log जो लिखते हैं जो आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में यूज करते होंगे, log x on base 10, बराबर, log x on base 10 यूज करते हैं, जिसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। यहाँ पर ये जो बेस e है इसको नेचुरल log बोलते हैं, जिसको ln x भी लिखते हैं। ओके, अब मैथ्स में जो हम लिखेंगे log x, तो इसका मतलब हम बेस e समझेंगे। अगर आपको log x दिया गया है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका बेस e है। ओके, अब ये जो log x है रिलेशन, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक्सपोनशियल फंक्शन है, लॉगरिदम फंक्शन, ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो इनका रिलेशन कुछ ऐसे हमने डिफाइन किया है, इफ ए एक्स इक्वल टू वाई, इफ ए रेश टू एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर आप फिर से फोकस करना, a greater than 0 है, right? And a not equal to 1, a raised to x equal to y, then x is equal to log y base a। तो जैसे कि मैं यहां पर log के अंदर बोल रहा हूं, तो ये भी आप क्लियर करते जाओ कि log में जो बेस होता है, log फंक्शन है, उसका जो बेस है वो कंपल्सरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो ए है। लॉग में जो फंक्शन, लॉग के अंदर जो बेस होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उसका वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, लॉग के अंदर जो नंबर है लॉग वाई, ये वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोमेन है वो आर प्लस है। तो लॉग के लिए इतनी चीजें याद रखना, लॉग के अगर हम ln x लिखते हैं तो ये जो x है वो कंपलसरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हमने कुछ लिखा log x बेस में, यहाँ पर मैं b लिख देता हूँ, तो इसके लिए इनको डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन रहेगी वो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बेस में b दिया गया है तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो बेस में नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो तो है बट वो वन भी नहीं होना चाहिए, राइट? रीजन वो अब मैं जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाऊंगा वहां पर बोल दूंगा कि क्यों ये हमने कंडीशन रखा है, या तो हमने डेफिनेशन लिखा था वहां पर भी आप देख सकते थे कि भाई हमने ए नॉट इक्वल टू वन से ही स्टार्ट किया था इनवर्स फाइंड करने के लिए। ओके, अब अगर ई रिश टू एक्स, ई रिश टू एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई बेस ई, जिसको मैं वापस एक दो एग्जांपल के साथ चलूं,
तो कुछ आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई टू रेश टू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये क्या है, एक्सपोनशियल फंक्शन है। अगर इसमें आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, मीन्स एक्सपोनशियल को रिमूव करना है, तो आप ऐसे सोचो कि इनको हम यहाँ पर डंडा मारेंगे। जैसे ही इनको डंडा मारेंगे मीन्स इसको कुछ पनिशमेंट देते हैं, तो ये भागेंगे। अभी ये एक्स के अंडर में है, एक्स के अंडर में है, बराबर मीन्स एक्स के पैरों में है। इसको जैसे ही हम यहां से मारेंगे ये भागेंगे वाई के पैरों में, बराबर वाई के चरणों में चले जाएंगे और फिर कुछ ऐसे हो जाएंगे। लॉग वाई बेस में ए, मतलब रहना तो इसको पैरों में ही है, बराबर यहाँ पर टू है तो मैं इधर टू लिख देता हूँ, ये है एक्स। वापस अगर मैं कोई एक और एग्जाम्पल लिखूं, थ्री रेश टू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो जैसे ही आप इनको यहाँ से भगाएंगे ये चले जाएंगे वाई के चरणों में, बट इधर लॉग की एंट्री हो जाएगी। एक्सपोनशियल रिमूव हुआ, लॉग की एंट्री हुई, और अगर लॉग को रिमूव किया एक्सपोनशियल फंक्शन बराबर, बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ इच अदर, तो ये लॉग है। अब यहाँ पर हमने सिंपल सिंपल लॉग के बारे में देखा है, क्योंकि एक्चुअली हमारा टारगेट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज। ओके, अब सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के हिसाब से ही हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ए रेश टू जीरो बराबर, वेर ए इज नॉन नेगेटिव एंड इट इज नॉट वन। ए रेश टू जीरो इक्वल टू वन, तो जो हमारे डेफिनेशन है उसके हिसाब से ए रेश टू जीरो इक्वल टू वन, ये एक्सपोनशियल फंक्शन है। अगर हम ए को यहाँ से डंडा मारेंगे तो वो भागेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में हो जाएगा जीरो और राइट साइड में हो जाएगा लॉग वन बेस में ए। इट मीन्स लॉग वन फॉर एनी बेस इज जीरो, ठीक है, बेस के लिए जैसे मैंने कंडीशन बोला है वो ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन है, बराबर ये ऑलवेज याद रखना है। सेकेंड थिंग, ए रेश टू वन इक्वल टू ए, ए रेश टू वन इज इक्वल टू ए। यहाँ पर अगर हम एक्सपोनशियल फंक्शन हटाना चाहते हैं यहाँ पर डंडा पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा वन, राइट साइड में हो जाएगा लॉग ए, ये जो है वो लॉग के अंदर आ जाएंगे और ये भाई साहब चरणों में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लॉग के अंदर जो नंबर है वही नंबर को अगर बेस में लिखते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वन होगा, बराबर जो मैंने यहाँ पर लिखा है बेस एंड नंबर आर सेम देन द आंसर इज वन, दैट इज लॉग टेन बेस में टेन है, लॉग ई बेस में ई है, सेम है बेस एंड नंबर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू ऑलवेज वन होगा। ओके, अब और उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए रेश टू लॉग एक्स बेस में ए दिया है तो इसका वैल्यू होगा एक्स। अगर आपको ए दिया गया है उसके पावर में है लॉग फंक्शन जिसमें इनसाइड लॉग एक्स है और इसका भी बेस ए है तो इसका वैल्यू एक्स होगा। अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर होगा। ये एक्चुअली तो डेफिनेशन से ही क्लियर है क्योंकि एक्सपोनशियल एंड लॉग एक दूसरे के इनवर्स हैं, या तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ए रेश टू लॉग एक्स बेस में ए सपोज इट इज वाई, बराबर हमें नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा तो यहाँ पर हमने वाई लिख लिया। अब ये एक्सपोनशियल फंक्शन है तो इसको मैं यहाँ से डंडा मार रहा हूँ, जैसे ही इनको लगेगी वो भागेंगे वाई के पास, बट जाएंगे तो चरणों में लॉग वाई बेस ए, लेफ्ट साइड में क्या हो गया लॉग एक्स बेस ए। अब देखो यहाँ पर दोनों साइड लॉग है जिसमें बेस ए है, और लॉग क्या है इनवर्स ऑफ एक्सपोनशियल फंक्शन, लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनशियल फंक्शन, दैट इज लॉग इज वन वन फंक्शन, लॉग इज वन वन फंक्शन, इट मींस एक्स इक्वल टू वाई।
तो हमने जो लिखा था कि भाई a रेश टू लॉग x बेस में a इक्वल टू, जो हमने y लिखा था वो y एक्चुअली क्या है, x है। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो x हमने लिखा है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। a जो है वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड उसका वैल्यू वन नहीं है। ओके तो ये हमारी प्रॉपर्टी है लॉग के लिए। सेकंड जो और हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वो है लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन, एक्स इंटू वाई बेस ए, दिस वन इज वन प्रॉपर्टी। ओके अब इसका भी जल्दी जल्दी प्रूफ देख लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स बेस ए सपोज इट इज एम एंड लॉग वाई बेस ए सपोज इट इज एन। यहाँ पर लॉग जो दोनों थे उनको मैंने सपोज कर लिया है। अब अगर हम लॉग को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज एक्स इक्वल टू ए रेश टू एम, एंड यहाँ पर हम लॉग को हटाएंगे तो वाई हो जाएगा ए रेश टू एन। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स एंड वाई को, अगर एक्स इंटू वाई फाइन करेंगे तो होगा ए रेश टू एम इंटू ए रेश टू एन दैट इज ए रेश टू एम प्लस एन, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होगा। तो आपको मिल चुका है x इंटू वाई इज इक्वल टू ए रेश टू एम प्लस एन। अब हमें हमारे पास एक्सपोनशियल फंक्शन है तो एक्सपोनशियल फंक्शन को हटाने के लिए यहाँ पर डंडा पड़ेगा, जैसे ही डंडा पड़ेगा इधर चले जाएंगे log x y बेस में हो जाएगा a, राइट साइड में हो जाएगा m प्लस एन। अब m तो हमने सपोज किया था एक्चुअली क्या था, लॉग एक्स बेस ए, और एन ये भी हमने सपोज किया था लॉग वाई बेस ए, तो ये हमने प्रूव कर लिया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई दोनों में बेस सेम होना चाहिए, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई बेस ए। ओके अब यहाँ से ही ये जो कंडीशन है इसी का यूज करके हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। तो मान लो अगर मैंने ऐसा लिखा लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग एक्स, वाई की प्लेस पर भी मैं एक्स यूज कर रहा हूँ, तो लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए, तो लॉग एक्स इंटू एक्स बेस में ए, अगर मैं थोड़ी पोजीशन चेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में ए, ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया है अब, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स दैट इज टू टाइम्स log x बेस a, means x log के अंदर है x और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है twice of log x बेस a, means log के अंदर कोई नंबर है उसका अगर पावर है तो वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और फिर अंदर बचेगा log x बेस a that is log of x cube दिया है, log के अंदर जो नंबर है उसका पावर थ्री होना चाहिए, तो वी कैन राइट दिस वन एज अ थ्री टाइम्स लॉग एक्स बेस ए। और अगर इसको इन जनरल ले जाते हैं एक्स रेस टू एन लिखते हैं तो ये लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन बेस ए इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग एक्स बेस ए, राइट। देन अनदर इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो log x माइनस log y, log ऑफ x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a, इसको हम लिखते हैं log x by y बेस a। अगर ये जो प्रूव करना है तो उसके लिए आप log x बेस a इक्वल टू सपोज कर लो m, log of y base a इनको सपोज कर लेते हैं n। अगर हम log को हटाएंगे तो एक्सपोनशियल फंक्शन की एंट्री होगी x रेश टू n, यहाँ से log को हटाएंगे तो एक्सपोनशियल फंक्शन a रेश टू n। अब हमें क्या चाहिए x upon y, तो अगर आप x upon y फाइंड करेंगे
तो ये होगा a रेश टू m अपॉन a रेश टू n, दैट इज a रेश टू m माइनस n, ये ऑलरेडी हम जानते हैं ना। तो x by y इज इक्वल टू ए रेश टू एम माइनस एन, यहाँ पर एक्सपोनशियल फंक्शन है, इसको हटाने के लिए लॉग फंक्शन की एंट्री होगी, तो यहाँ से इधर डंडा पड़ेगा, जैसे ही डंडा पड़ेगा लॉग फंक्शन की एंट्री हो जाएगी, बेस में आ जाएंगे, ए इक्वल टू क्या है एम माइनस एन, वेर एम इज अवर सपोजिशन, दिस लॉग एक्स बेस ए माइनस दिस वन इज लॉग वाई बेस ए, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय वाई, ये भी हमने प्रूव कर लिया। एक और इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको मैं प्रूव तो नहीं कर रहा हूँ, बट ए रेश टू लॉग सी, ए के पावर में लॉग है, लॉग सी, और जिनका बेस है बी, तो इट इज सेम एज सी रेश टू लॉग ऑफ ए बेस बी, इट मीन्स ये जो सी है और ए है, ये दोनों की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, बराबर। ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है जिसको अभी तो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमने लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखा है, अब उनके डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। बट बिफोर डेरिवेटिव जो थोड़ी बहुत फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, जिसको भी हम प्रूव नहीं करेंगे। फर्स्ट इज लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इक्वल टू 0, दिस वन इज फर्स्ट। Second one is limit n tend to infinite r raised to n equal to 0 if modulus of r is less than 1, and इसी का use करके हम sum of infinite gp, अगर आपको infinite gp दी गई है जिसका ratio less than 1 है, तो उसका जो summation होगा वो a upon 1 minus r, actual formula आप जानते हैं, sum of n terms, अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उनके n टर्म्स का एडिशन की फॉर्मूला हम ऐसे करते हैं, a 1 minus r raised to n 1 minus r, बट ये है इनफाइनाइट, s ऑफ इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो रेशियो है अगर वो लेस देन 1 है, तो जो हमने कंडीशन देखी कि r raised to n equal to 0, तो n tending to infinite करेगा, तो ये 1 minus 0 upon 1 minus r हो जाएगी, बराबर। ये है फॉर्मूला आपके लिए। अनदर वन इज limit n tend to infinite 1 plus 1 upon n whole raised to n power is equal to e, बस इसी का यूज करके हम e का approximately वैल्यू निकालते हैं, जो कि आप binomial theorem से expand करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई e का वैल्यू between 2 and 3 होता है, और वो approximately 2.718 होता है, जो हमने exponential function में graph में भी देखा था। या तो अगर हम 1 upon n की place पर suppose कर लेते हैं x, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रिश टू 1 अपॉन x, इसका वैल्यू भी e होता है, और ये दोनों का यूज करके दो और फॉर्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a रिश टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू log ऑफ a बेस e, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रिश टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू log e बेस भी ई होगा, और जब नंबर एंड बेस दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 होगा। इसी का यूज करके हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूला दिखाई मैंने, कि अगर हमें सपोज एफ एक्स दिया गया है ए रेश टू एक्स, अगर एफ एक्स ए रेश टू एक्स है और हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स, तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f x, और क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है? डेफिनेटली, क्योंकि हमने ग्राफ देखा वो स्मूथ कर्व था, बराबर, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं एंगल नहीं है, इट मींस ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। लिमिट h tending to 0, अब fx a raise to x है, तो ये हो जाएगा a raise to x plus h minus fx, that is a raise to x upon h, limit h tending to 0, a raise to x, a raise to h minus 1 upon h
ए रेस टू एक्स हमने न्यूमरेटर में से जो दो टर्म थे वहां से कॉमन निकाल दिया है. लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो इसको लिख सकते हैं हम ए रेस टू एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच. और जैसे कि मैंने बोला ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बराबर ए रेस टू एक्स ये जो पार्ट है ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई. अगेन यहाँ पर जो ए है ए रेस टू एक्स वो पॉजिटिव नंबर है, बराबर ए बिलोंग्स टू आर प्लस. एंड अगर आपको ई रेस टू एक्स दिया गया है, मान लो कि ये ए रेस टू एक्स था जिसमें मैंने ए लिखा है, अगर ए की प्लेस पर ई होता तो सेम प्रोसेस करने पर आपको आंसर क्या मिलता, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स. ए की प्लेस पर यहाँ पर हम ई यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ई रेस टू एक्स इन टू लॉग ई बेस ई, बट लॉग ई बेस ई वो वैल्यू होगा वन, तो इट गिव्स ई रेस टू एक्स इन टू वन, दैट इज ई रेस टू एक्स. तो डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एंड डी बाय डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इन टू लॉग ऑफ ए बेस ई. तो ये हमारे लिए e रेस टू x एंड a रेस टू x ये दोनों का डिफरेंशिएशन है. एंड log x का डिफरेंशिएशन, जो log x का डिफरेंशिएशन है वो भी हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे, इसमें हम प्रूफ नहीं देने जाएंगे. जो मैंने अभी थोड़ी बहुत फॉर्मूला बताई उसी का यूज करके उनका प्रूफ दे सकते हैं. d by dx of log x base e is equal to 1 upon x. अब यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है जो हमने फॉर्मूला लिखी है d by dx of log x base e, तो log x है that is x is greater than 0. Second thing, log x जिसके बेस में e है then your differentiation is 1 upon x. अगर आपको डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस में अदर देन ई दिया गया है, अदर देन ई दिया गया है, मान लो कि बेस 10 है, तो इसका आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स नहीं लिख सकते. उसके लिए आपको पहले बेस चेंज करना पड़ेगा. अब बेस चेंज करने का मतलब क्या है, तो वो एक प्रॉपर्टी दिखा दूं मैं आपको, log of p base a, log of p base a is same as log of p upon log of a, और base आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, बराबर आप जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं, बट डेफिनेटली वो कंडीशन याद रखना है आपको भाई b जो है जो भी आप बेस नया चेंज कर रहे हैं वो 1 नहीं होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो आपके लॉग की डेफिनेशन में ही है. ओके, अब आप समझे क्यों हम बार बार ऐसा बोल रहे हैं बेस 1 नहीं ले सकते, बेस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने बेस 1 दिया तो लॉग 1 फॉर एनी बेस इज 0 एंड डिनोमिनेटर 0 मींस इट इज नॉट डिफाइंड. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सेइंग लॉग के जो बेस में है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ए वन नहीं होना चाहिए, राइट. अब ये जो है इसको प्रूव करने के लिए इसको थोड़ा प्रूफ दे देते हैं. तो फॉर दैट लेट लॉग ऑफ पी बेस ए इक्वल टू अल्फा, इसको मैंने अल्फा सपोज कर लिया है, एंड लॉग ऑफ ए बेस बी इसको सपोज कर लेते हैं बीटा. अगर हम ये सपोजिशन करते हैं, अब लॉग में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा p इज इक्वल टू ए रेस टू अल्फा एंड फ्रॉम दिस वन a इज इक्वल टू b रेस टू बीटा. लॉग में से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चले गए हैं. अब वापस ये जो दो रिलेशन है उसी का यूज करते हैं हम. तो p इज इक्वल टू व्हाट, p इज इक्वल टू a रेस टू अल्फा, बट वी नो दैट a इज b रेस टू बीटा,
इसको हम लिख सकते हैं बी रेश टू बीटा एंड रेश टू अल्फा, दैट इज इट इज बी रेश टू अल्फा इंटू बीटा या तो बीटा इंटू अल्फा. सो अगेन इसी चीज को मैं लिख देता हूँ, पी इज इक्वल टू बी रेश टू अल्फा इंटू बीटा. अब हम एक्सपोनशियल फंक्शन को हटाते हैं तो लॉग की एंट्री होगी, तो यहाँ से इसको इधर डंडा पड़ेगा, भागेंगे पी के चरणों में, दैट इज लॉग ऑफ पी बेस बी हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा हमें अल्फा इंटू बीटा. अब अल्फा ये तो हमने सपोज किया था, लॉग ऑफ पी बेस ए था, इंटू बीटा ये भी हमने सपोज किया था, लॉग ऑफ ए बेस में बी था. अब आपको जो चाहिए था ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, लॉग ऑफ पी बेस बी, और ये जो टर्म है इसे डिवाइड कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा डिनोमिनेटर में ये लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी बेस ए. तो यहाँ पर आपको इसका ये जो प्रॉपर्टी है इसका मैंने प्रूफ दे दिया है. तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स का बेस अदर देन ई है तो आपको सबसे पहले बेस चेंज करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग टेन, और वो बेस कंपलसरी क्या होना चाहिए ई होना चाहिए, देन वी कैन डिफरेंशिएट. यहाँ से हम वन अपॉन लॉग टेन बेस ई है उसको आउटसाइड लिख देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, तो डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, बेस में ई है सो इट इज वन अपॉन लॉग ऑफ टेन बेस ई, एंड लॉग एक्स बेस ई इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, जिसमें ऑलरेडी एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट. तो ये एक्सपोनशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन हम देख चुके हैं. अब चलते हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर. तो सबसे पहले हमें दिया गया है एग्जांपल नंबर 28 और उसमें दिया गया है इज इट ट्रू दैट एक्स इक्वल टू ई रेश टू लॉग ऑफ एक्स base e for all real x, बराबर. ये आपको आंसर देना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. तो जस्ट अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि a रेश टू log, a के पावर में log है x, और अगर इसके बेस में भी अगेन a है तो इसका वैल्यू x होगा. बट कंडीशन मैंने ऐसा बोला था कि ये जो लॉग के अंदर आप जो नंबर लिखते हैं, लॉग का जो डोमेन है, लॉगरिथम फंक्शन जिसको हमने डिफाइन किया, तो हमने डोमेन देखा था 0 to ∞ to r, दैट इज एक्स. लॉग के अंदर जो नंबर है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स लॉग इज नॉट डिफाइंड, राइट. सो फॉर all real x it is not true, it is not true. अब रीजन लिख देते हैं, because to define log x for any base x must be greater than 0. अब मैं एनी बेस बोल रहा हूँ तो आप ये अपने दिमाग में क्लियर रखना कि वो बेस भी ग्रेटर देन जीरो है और वो वन नहीं है. ओके, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए तो ट्रू नहीं है, बट यस अगर आपने एक्स ग्रेटर देन जीरो लिया है, लॉग के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है, देन यस इट इज ई रेश टू लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू एक्स, बराबर. और ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें जब डेरिवेटिव करने जाएंगे
डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम हेल्प करेगी, जब हमें एफ एक्स रेस टू जी एक्स टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तब एक्स का फंक्शन है और उसके पावर में अगेन एक्स का फंक्शन है, ये जो टाइप के फंक्शन होंगे उसके डिफरेंशिएशन में ये प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट में आंसर दे सकती है। ओके चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पर। एंड 29 में आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 29 एक एक लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ई रेश टू माइनस एक्स का। तो यहाँ पर जो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखी डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेश टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेश टू एक्स इज ई रेश टू एक्स, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे e रेश टू x का डिफरेंशिएशन e रेश टू x ही होता है, तो आप लिखो e रेश टू जो पावर दिया है वो आप कॉपी करते रहो। एंड देन यहाँ पर e रेश टू x है तो एक्चुअली हमने यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x भी लिखा होगा बट वो वन हो जाता है, तो यहाँ पर e रेश टू माइनस x है तो आपको क्या लिखना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस x, ये हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से आपका आंसर। तो e रेश टू माइनस x, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, दैट्स योर आंसर। नंबर टू, नंबर टू है डिवाइड एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, जिसमें साइड में कंडीशन दिया गया है एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके तो सबसे पहले आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है साइन है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स होता तो हम लिखते कॉस एक्स और फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स कर लेते। तो यहाँ पर आप पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब कि कॉस अंदर जो भी है वो कॉपी कर लिया हमने लॉग एक्स, और फिर जो इनसाइड में एज एंगल दिया है उसी का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड देन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि बेस नहीं दिया जाएगा तो आपको समझना है बेस ई है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन एक्स, जिसमें एक्स ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है वो आपको दिया गया है। ओके नेक्स्ट 29 में ही नंबर थ्री है एंड इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई रेश टू एक्स। अब यहाँ पर जो हमें कॉस इनवर्स ई रेश टू एक्स दिया है, इन्होंने डोमेन तो नहीं दिया है हमें बराबर कि आपका एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, बट डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं। तो आप सोचो कॉस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए आपका जो नंबर है वो माइनस वन टू वन होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए नंबर माइनस वन टू वन होना चाहिए। अब ये जो ई रेश टू एक्स है इसका आपने रेंज देखा था, ई रेश टू एक्स का रेंज हमने देखा था वो जीरो से इनफाइनाइट था, तो क्या ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा, नहीं। हमने जो ग्राफ देखा था उसमें एक पॉइंट में बार बार दिखा रहा था कि ई रेश टू एक्स है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एट दिस पॉइंट जीरो वन, तो यहाँ पर हमें डोमेन नहीं दिया गया है बट आपको यहाँ पर डोमेन एक्चुअली होगा इसका माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ई रेश टू जीरो वन होगा, वो कॉस इनवर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट। तो यहाँ से हल्का सा एमसीक्यू निकाल सकते हैं कि भाई कॉस इनवर्स ई रेश टू एक्स से डोमेन फाइंड कर लो, डिफरेंशिएशन तो बाद में सीखना। तो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई रेश टू एक्स, अब देखो यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन दिया गया है कॉस इनवर्स है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये होगा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जो भी अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करते रहना है, यही होता है चेन रूल। तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन माइनस ई रेश टू एक्स
स्क्वायर एंड देन इनसाइड में जो भी है उस हिसाब से डिफरेंशिएशन कर लेना है. इट इज माइनस वन अपॉन वन माइनस, अब ये ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है तो इसको ई रेस टू टू एक्स लिख सकते हैं एंड ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू एक्स इटसेल्फ. नेक्स्ट 29 में ही नंबर 4 है एंड इट इज डिवाइड एक्स ऑफ ई रेस टू कॉस एक्स. तो डिवाइड एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, इट इज ई रेस टू एक्स एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जो भी ई के पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करते रहना है. सो इट इज ई रेस टू कॉस एक्स एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स. सो ई रेस टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगी तो ये तो हम डायरेक्टली कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं. नाउ इट्स टर्न ऑफ एक्सरसाइज 5.4. एक्सरसाइज 5.4 और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो मैं हर एक में कुछ नहीं लिख रहा हूँ. फर्स्ट इज डिवाइड एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स. तो डिवीजन रूल यहाँ पर होगा. तो जो हम डिवीजन रूल जानते हैं डिवाइड एक्स ऑफ यू बाई वी, ये रूल है कुछ डिनोमिनेटर स्क्वायर v, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v. जो आप अगर डायरेक्टली जानते हैं तो यूज कर सकते हैं, हर बार ऐसा लिखना जरूरी नहीं है. तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर sin x है, उसका स्क्वायर sin x डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स एल टी डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स. सो इट इज साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिनोमिनेटर इज साइन एक्स स्क्वायर. So you can write this one as a sin square x. यहाँ से आप numerator में से e raised to x common निकाल सकते हैं. Next number 2, and number 2 is divide x of e raised to sin inverse x. तो सबसे पहले तो हम जो divide x of e raised to x करते हैं तो वो होगा e raised to x और फिर x का differentiation. तो यहाँ पर e रेस टू साइन इनवर्स एक्स है तो इनका डिफरेंशिएशन e रेस टू साइन इनवर्स एक्स ही होगा. एंड देन e के पावर में जो दिया गया है उनका डिफरेंशिएशन दैट इज साइन इनवर्स एक्स का. तो यहां से मिल जाएगा e रेस टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन नंबर थ्री इज डिवाइड एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर. तो देखो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ई रेस टू एक्स और फिर जो पावर में दिया है उसी का डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर और फिर आप एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन कर लो. सो इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x. ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज कंटिन्यू में. नंबर 4 इज डिवाइड x ऑफ साइन टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स, इसमें भी ई रेस टू माइनस एक्स. तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, बराबर. अब साइन और अंदर का कॉपी करते रहेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर जो भी है उसको कॉपी करते रहना है, बराबर.
tan inverse a raised to minus x. Reason, डिवाइड x ऑफ साइन x होता है तो वो होगा cos x into डिवाइड x of x. तो हमने साइन अंदर जो भी है वो एज इट इज लिख दिया, और जो एंगल में दिया गया है साइन के अंदर है उसका अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इट इज cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ e raise to minus x. Now, tan inverse है outside में, तो जो divide dx of tan inverse x है, tan inverse x का differentiation होता है 1 upon 1 plus x square, और फिर अंदर जो भी है उसका differentiation कर लो आप, तो यहाँ पर tan inverse 1 upon 1 plus x की place पर हम use करेंगे e raise to minus x, तो e raise to minus x उसका square, और फिर जो inside में है उनका डिफिनेशन करते रहो आप e raise to minus x. So this cos tan inverse of e raise to minus x into 1 upon 1 plus e raise to minus 2x and e raise to minus x इसका डिफरेंशिएशन होगा e raise to minus x into minus 1, जो आगे हम एग्जांपल में देख चुके हैं e raise to minus x का डेरिवेटिव. ओके, सो दिस वन इज नंबर 4. नाउ नंबर 5, एंड नंबर 5 इज डिवाइड x ऑफ log cos e raise to x, log cos e raise to x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो सबसे पहले डिवाइड dx ऑफ log x बेस e, देन इट इज 1 अपॉन x, एंड देन डिवाइड dx ऑफ x करना है. तो यहां पर हमें, जैसे मैंने बोला था कि log के अंदर बेस अगर ना लिखा हो तो आपको e समझना है. तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन, log x है तो 1 अपॉन x, यहां पर log के अंदर cos of e raise to x है, तो ये 1 upon cos of e raise to x, फिर log के अंदर जो है उसका आप differentiation कर लो, cos of e raise to x, अब outside में कौन सा function है, cos है, तो divide x of cos x is equal to minus sin x, and then divide x of x, तो यहाँ पर मिलेगा 1 upon cos of e raise to x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ e raise to x, क्योंकि अभी x की प्लेस पर e raise to x था, इनटू डिवाइड x ऑफ e raise to x, सो इट इज माइनस साइन ऑफ e raise to x, डिनोमिनेटर में cos ऑफ e raise to x, एंड e raise to x का डिफरेंशिएशन e raise to x होता है. ओके, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस आप टेन ऑफ e raise to x लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन नंबर 6 इज डिवाइड x ऑफ e raise to x प्लस e raise to x square प्लस e raise to x cube प्लस e raise to x raise to 4 प्लस e के पावर में x is to 5 है. इनका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e raise to x का डिफरेंशिएशन, then plus डिफरेंशिएशन ऑफ e raise to x square, then plus divide x of e raise to x cube, then plus divide x of e raise to x is to 4, then plus divide x of e raise to x is to 5. e raise to x का differentiation होगा e raise to x, and then x का खुद का differentiation करना चाहिए, बराबर, ये हमें help करेगा बाकी के सभी में, इसलिए लिख रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर e raise to x था तो हमने e raise to x लिखा और फिर x का differentiation. तो second में हमें क्या लिखना चाहिए, e raise to x square, क्योंकि x था तो हमने x लिखा था,
अभी ई रेस टू एक्स स्क्वायर है तो हमने ई रेस टू एक्स स्क्वायर कॉपी कर लिया और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड थर्ड पे जाएंगे तो ई रेस टू एक्स क्यूब लिख देंगे एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट में लिख देंगे ई रेस टू एक्स रेस टू फोर, क्योंकि एक्स की प्लेस पर अब एक्स रेस टू फोर दिया गया है, इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू फोर, जिसको हम बहुत अच्छे नाम से बोलते हैं चेन रूल। एक्स रेस टू फाइव ई रेस टू एक्स, एक्स का डिफिनेशन वन होगा, ई रेस टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डिफिनेशन टू एक्स होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स क्यूब का डिफिनेशन होता है थ्री एक्स स्क्वेयर, ई रेस टू एक्स रेस टू फोर, एक्स रेस टू फोर का डिफिनेशन फोर एक्स क्यूब, प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू फाइव, एक्स रेस टू फाइव का डिफिनेशन होता है फाइव एक्स रेस टू फोर। नेक्स्ट नंबर सेवन एंड इट इज डिवाइड एक्स ऑफ इन स्क्वायर रूट ई के पावर पे दिया गया है रूट एक्स, और यहां पर आपको कंडीशन दिया गया है एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले में जो लाइन हो रही है डी बाय डी एक्स, सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स दैट इज एक्स टू वन बाय टू, ये बेटर है अगर आप इसको याद रखो कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स into divide x of x, मतलब square root का differentiation होता है one upon two square root, अंदर जो लिखा है उसको copy करो। तो सबसे पहले हम outside का जो square root है उसका differentiation करेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा है उसको use करके one upon two in square root, जो भी आप जिसका भी आप differentiation कर रहे हैं इसको copy कर लो, ये हो गया square root का differentiation। अब आप इनसाइड में चलो, इनसाइड में अभी x की प्लेस पर जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, दैट इज e रेस टू रूट x का, तो व्हाट इज d बाय dx ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x होता है, और फिर x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 2 e रेस टू रूट x, e रेस टू एक्स है तो e रेस टू एक्स ही लिखना है, e रेस टू रूट एक्स है तो आपको लिखना चाहिए e रेस टू रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कि अभी के पावर में रूट एक्स लिया गया था, इज वन अपॉन टू टाइम्स इन स्क्वायर रूट e रेस टू रूट एक्स, e रेस टू रूट एक्स, और ये डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है वन अपॉन टू रूट एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन होता है, तो ये है आपका आंसर नंबर सेवन के लिए। नाउ नंबर एट, डिवाइड एक्स ऑफ लॉग, उसके अंदर अगेन लॉग एक्स, और यहां पर आपको दिया गया है एक्स ग्रेटर देन वन। तो सबसे पहले d by dx of log x ये होगा 1 upon x, यहाँ पर बेस e है, तो ये जो आउटसाइड है log इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनको अभी हम सपोज मान लेंगे कि ये हमारे लिए x का रोल प्ले कर रहे हैं, तो 1 upon x का रोल ये प्ले करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स, राइट, आउटसाइड के लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन जो भी इनसाइड में है उसको वन अपॉन में लिखना है, तो वन अपॉन लॉग एक्स लिखा हमने, देन डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स, बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी वन अपॉन एक्स डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स, बराबर, तो लॉग एक्स का तो वन अपॉन एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ एक्स लिखा,
So it is 1 upon log x. Log x ka differentiation wo hoga 1 upon x. Right? Log x ka differentiation 1 upon x hoga. 8th number. Now number 9. Number 9 mein aapko diya gaya hai divide x of cos x अपॉन log ऑफ x और इधर दिया गया है साइड में x ग्रेटर देन 0 बट यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 से काम नहीं चलेगा x नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए क्योंकि log 1 0 होता है बराबर तो बुक में सिर्फ x ग्रेटर देन 0 दिया है एक्चुअली x नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए अब यहाँ पर डिवीजन रूल होगा तो डिवीजन रूल में आपको दिखा चुका हूँ तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे उसको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लॉग एक्स इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन एक्स एंड डिनोमिनेटर log x स्क्वायर अब आप ये नहीं बोलना कि log x का स्क्वायर है तो उसको 2 log x लिख दो वो नहीं कर सकते बराबर कि हमने जो प्रॉपर्टी देखा था वो ऐसा था log उसके अंदर जो नंबर है उनका अगर स्क्वायर है तो इसको आप 2 log x लिखेंगे log x का स्क्वायर इट मींस इट इज log x into log x इसको आप कुछ नहीं कर सकते ओके एंड देन नंबर 10 It is d by dx of d by dx of cos उसके अंदर दिया है log x plus e raised to x where x greater than 0 this one is given अब यहाँ पर d by dx cos दिया गया है तो अगर cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन x एंड देन d by dx ऑफ x तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे कि आप भाई x का रोल प्ले करो अभी तो अगर वो x का रोल प्ले करते हैं तो ये होगा माइनस साइन x का रोल अभी ये प्ले कर रहे हैं तो जहां भी हमें इधर x दिखेगा उधर हम log x plus e raised to x लिख रहे हैं log x plus e raised to x इन्होंने अच्छे से अपना रूल प्ले कर लिया है अब आगे चलते हैं माइनस साइन ऑफ log x plus e raised to x इनसाइड में है log x तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon x बेस में e है ऑलरेडी एंड e raised to x इनका डिफरेंशिएशन होगा e raised to x. This one is end of the exercise 5.4.